चलो तो देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? ठीक है, सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म रिंग है ये, सेमी सर्कल, ठीक है, दिख रहा है हाँ ये वाला, सर, है ना? तो इसका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। यूनिफॉर्म मतलब इसका मास पर यूनिट लेंथ, मास इसका इतने लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो मास पर यूनिट लेंथ जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है, बराबर है, क्या बोले? कांस्टेंट से रहेगा। मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, इक्वल लेंथ में इक्वल मास है हर जगह। हाँ सर, समझे। जैसे मान लो ये कुछ लेंथ लिए यहाँ पे, इसमें कुछ मास है, उतना ही लेंथ यहाँ पे लोगे उसमें भी सेम मास होगा, उतना ही लेंथ यहाँ पे लोगे उसमें भी सेम मास होगा, कहने का ये मतलब, समझ गया? हाँ सर, है ना? चलो तो अभी देखते हैं कि इसका सेंटर मास कैसे निकालेंगे। सेमी सर्कुलर रिंग है ये हमारा सेंटर है, ठीक है, बराबर है, हाँ सर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोई दिक्कत इसमें? ठीक नो है, सर। चलो तो ये कैसा एक बॉडी है, सॉरी ये बॉडी है कैसा? ये एक्सटेंडेड बॉडी है, एक पॉइंट पार्टिकल नहीं है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इनफाइनाइट, यस। हाँ सर, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी हमको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, जैसे रॉड था तो रॉड में कैसे एलिमेंट लेते थे, याद करो, रॉड के केस में ऐसे एलिमेंट्स लेते थे, यहाँ पे डीएक्स। ऐसा डीएक्स लेते थे, यहाँ पे थोड़ा अलग तरह का एलिमेंट लेना है, ये शायद तुम लोग पहली बार देख रहे हो, है ना? इस केस में यहाँ पे अलग तरह का एक एलिमेंट लेना, दिख रहा है तुमको? एक छोटा सा एक एलिमेंट ले रहा हूं मैं जो कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है, और ये एलिमेंट जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे वो कितना है? डी थीटा, दिख रहा? तो हाँ सर, ये लेंथ, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? आर डी थीटा, पढ़े होगे मैथ्स में, हाँ सर, आर डी थीटा पढ़े हो? तो कहने का मतलब ये है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं इस एलिमेंट के, ये जो एलिमेंट है ये बहुत बड़ा दिख रहा है बट एक्चुअली बहुत छोटा है, ये डी थीटा बहुत छोटा एंगल है, तो ये एलिमेंट का इसको मैं पॉइंट मास मान सकता हूं, तो इस एलिमेंट का ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया व्हिच इज आर साइन थीटा, यस, और इस एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये कितना? आर कॉस थीटा, समझ में आया इतना? हाँ सर, बोलो, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बताओ? नो सर, चलो ठीक है, आगे बढ़े, गुड, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट ले लिया, अब हमको पता है वाई कॉम का फॉर्मूला, वाई कॉम का फॉर्मूला याद करो, समेशन ऑफ एम आई वाई आई बाई टोटल मास, यही होता है वाई कॉम, है सर ना? तो हमको एम आई वाई आई मतलब ऐसा, समेशन ऑफ एम आई वाई वाई आई मतलब एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री एंड सो ऑन, है ना? बस ये फर्क है कि यहाँ पे हमको समेशन की जगह क्या इस्तेमाल करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इस्तेमाल करना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, यस। बोलो, तो इस एलिमेंट के लिए हम एम आई वाई आई लिखेंगे, एम आई वाई आई मतलब इस एलिमेंट का मास मल्टीप्लाइड बाय इसका वाई कोऑर्डिनेट, कोई दिक्कत इसमें? बोलो, हाँ सर, दिक्कत है? नो सर, चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस एलिमेंट का पहले हम मास लिख लेते हैं, मतलब एम आई वाई आई, ठीक रहा है? इसका मास देखो, मास कैसे निकलेगा? यूनिटरी मेथड से निकलेगा, यस। ये क्या है सर मेरा? मास पर यूनिट लेंथ, एम बाई पाई आर, टोटल लेंथ कितना है उसका? टोटल लेंथ जो है रिंग का लेंथ कितना है? पाई आर है ना, आयर। और मास एम है, तो एम बाई पाई आर क्या हो गया? मास पर यूनिट लेंथ, ठीक। इसको कहीं कहीं पे हम लोग लैम्डा भी लिखा होता है, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक। सर, और मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई इसका खुद का लेंथ एलिमेंट का, तो हमको मिल जाएगा क्या टोटल मास उस एलिमेंट का? सर, एलिमेंट का लेंथ हमको पता ही है, आर डी थीटा, बोलो, है कि नहीं? हाँ सर,
और उस एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट हमने अभी देखा ही था, कितना था, आर साइन थीटा। बोलो, सर। तो ये हो गया इसका वाई आई, तो ये इसका एम आई, ये इसका वाई आई, कोई दिक्कत इसमें। अब सर हमको इस एम आई वाई आई को सम करना है, सम करना है मतलब इंटीग्रेट करना है, क्यों, है हाँ सर ना। आगे बढ़े, एकदम आसान है, सर वेरी वेरी इजी। तो वही है, वही चीज एक्सप्लेन किया हुआ इधर, वही सेम चीज है। एम आई वाई आई का समेशन जो है वो इंटीग्रेशन बन गया। यस, हाँ सर इंटीग्रेशन। एम आई की जगह क्या लिखा, एम आई की जगह लिखा हमने डीएम, और वाई आई की जगह वाई, और इसका समेशन करने के बजाय हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट। कोई दिक्कत इसमें, नो सर आगे बढ़ते हैं, एकदम आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो ये जो चीज था वो जो हमने अभी निकाला था उसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे हो लिमिट्स, देख रहे हो 0 to π। अब 0 to π मैंने लिमिट क्यों डाला है ये देखने के लिए थोड़ा ऊपर जाते हैं, ठीक है, बराबर है। तो हाँ सर 0 to π देखने के लिए कि 0 to π ही क्यों डाला और कुछ लिमिट क्यों नहीं डाला। हमको लिमिट ऐसा लगाना है कि ये पूरा का पूरा रिंग कवर हो जाए, पूरा रिंग कवर हो जाए। यस बोलो। हाँ अब यहां वाला जब मैं एलिमेंट लूंगा तो उसके लिए थीटा कितना होगा, जीरो 0। फिर जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा थीटा बढ़ता जाएगा, बढ़ते हाँ सर बढ़ते 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 जब मैं यहां वाला एलिमेंट लूंगा एकदम एंड वाला एलिमेंट, तो वहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, बाय पाई। तो जब मैं थीटा को 0 to π वेरी कर रहा हूं तो एलिमेंट्स आर कवरिंग द इंटायर रिंग, पूरे रिंग को कवर कर रहे हैं। यस बोलो, हाँ सर हमको पूरा रिंग कवर करना है इसलिए 0 to π। समझ में आया क्या सबको, इरा जी समझ में आया आपको, यस सार्थक, सर गुड। तो ये कर लेना है, तो इसलिए 0 to π है ना। तो ये बेसिकली है हमारा एम आई वाई आई का सम है, ठीक है। ये वाला जो चीज है दिस इज समेशन ऑफ एम आई वाई आई, समेशन की जगह इंटीग्रेशन किया हमने बस, बाकी कुछ नहीं। तो एम आई वाई आई का सम जो है उसको टोटल मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको वाई को मिल जाएगा, यही है ना फॉर्मूला, सर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि लिमिट कैसे चूज करना है। वाई कॉम जो है अब कुछ नहीं है, बाकी फॉर्मूला लगा दो, है ना, बाकी जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं उधर कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लिया, है ना। बाकी अंदर जो सर वेरिएबल बचा वो साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है हमको मालूम ही है, माइनस कॉस थीटा होता है। यस बोलो, हाँ सर 0 to π। अब माइनस साइन भी बाहर निकाल लो, ठीक है। तो बेसिकली हो गया ये माइनस एम आर बाय पाई, ठीक है। इंटीग्रेशन तो कर दिया हमने, अब इसकी जरूरत नहीं है, माइनस साइन बाहर निकल लिया है, कॉस पाई माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई दिक्कत इसमें। और नीचे में एम है, एम कट गया, कॉस पाई इज -1, दिस इज 1, ये -2 हो जाएगा, और इधर आके माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 2r/π। समझ में आया क्या, यस सर कोई परेशानी इसमें किसी को, नो सर बोलो लल्लू है, सिंपल है कि नहीं, देखो हाँ सर हाँ सर आसान, वेरी वेरी इजी, हाँ सर है ना। तो ये हमारा वाई कॉम मिल गया 2r/π। अब आते हैं एक्स कॉम की तरफ, सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना भी आसान है। एक एलिमेंट ये चूज किया मैंने और एक एलिमेंट ये चूज किया, दिख रहा है, हाँ सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बता सकते हो, आर कॉस थीटा। यस, और इस वाले का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बता सकते हो,
माइनस आर कॉस थीटा। माइनस आर कॉस थीटा, समझ रहे हो क्या? अब हाँ सर। इसके लिए, और ये आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक जैसे ही है, खाली एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। तो जब इसके लिए लिखोगे एम आई एम वन एक्स वन लिखोगे और इसका जब एम टू एक्स टू लिखोगे तो दोनों कट जाएंगे क्या? कट हाँ सर। जाएंगे। यस सर। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि ऐसा मैं कोई भी एक एलिमेंट लू, यहाँ पे मान लो ये एलिमेंट लेता हूं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे इधर एक एलिमेंट मिल सकता है क्या? हाँ सर। अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लेता हूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक एलिमेंट यहाँ पे मिल सकता है क्या? तो हाँ सर। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट है यस सर। जिसके लिए एम वन एक्स वन और एम टू एक्स टू कट के जीरो हो जाएगा। हाँ सर। यानी कि जब पूरा सम करेंगे, इसका एम वन एक्स वन और इसका एम टू एक्स टू कट के जीरो हो गया, वैसे इसका एम वन एक्स वन और इसका एम टू एक्स टू कट के जीरो हो गया, वैसे इसका एम वन एक्स वन और इसका एम टू एक्स टू कट के जीरो हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं पूरे रिंग के लिए, तो सब जब मैं समेशन करने जाऊंगा एम आई एक्स आई का, तो कट के जीरो हो जाएगा क्या? पेयर्स में कटते चले जाएंगे। हाँ सर। यानी कि एक्स कॉम का जो फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई बाई टोटल मास, ये भी जीरो हो जाएगा। बोलो, यस सर। यानी कि सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ? जीरो। जीरो, है ना? सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया जीरो, वही एक्सप्लेन किया हुआ है वो आगे, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जब भी सिमेट्री का एक एक्सिस हो, सिमेट्री एक्सिस होता है तो सेंटर मास उसी एक्सिस पे लाई करता है। मतलब कहने का मतलब ये है, सिमेट्री एक्सिस है क्या, दिख रहा है क्या सिमेट्री एक्सिस? राइट साइड लेफ्ट साइड मिरर इमेजेस हैं, हाँ सर। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पे लाई करेगा कहीं ना कहीं, मतलब वाई एक्सिस पे लाई करेगा। मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? जीरो। जीरो। तो जब भी अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पे लाई करेगा। क्लियर? बोलो, समझ यस आया क्या सबको? किसी सर। यस सर। को कुछ परेशानी इसमें? नो सर।